हम बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं एंड वी आर ग्लैड कि वो और सयुदी दोनों हमारे घर आए, बिकॉज उनके आने से अचानक ही मतलब सारी वाइब्स चेंज हो जाती है। हम लोग इतने खुश हो गए, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है, स्पेशली मेरी, बिकॉज आपने देखा होगा कि हॉकी ट्रेनिंग के लिए मैं बहुत उदास थी और उनकी वजह से मैं जा पा रही हूँ, विच इज़ अ बिग डील फॉर मी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो आए हैं। सो उन्होंने एक लेक में आके जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सब सॉल्व कर दी, एंड हमें नहीं पता था कि जो प्रॉब्लम हो रही है वो उन्हें पता भी चले, पर पता भी चली और वो सॉल्व भी हो गई। और प्रिया खुश है तो हम सब खुश है, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही चल रही थी। एंड वो आए भी एंड पूरा माहौल चेंज कर दिया, पॉजिटिव वाइब्स आ गए, हम सब ने गेम्स खेले। सो यार इट वॉज़ रियली फन। गेम तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमने खेली है अभी। हमने फोर कॉर्नर्स का शर्मा परिवार वर्जन किया है, सो ब्रूम गेम खेला एंड आपको देखने में लगा कितने इंटरेस्टिंग था वो। वी लव प्लेइंग दैट। क्योंकि वो शर्मा परिवार के दामाद है और वो पहली बार घर पर आया तो खातिरदारी तो होगी, और उन्होंने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करी तो डबल खातिरदारी हुई है। कान्हा भैया मतलब भैया भी है, हमारे जीजू भी है, फादर फिगर भी है, बिकॉज हमारे पापा नहीं है तो वो उनकी भी सारी जिम्मेदारी हमारे लिए निभा रहे। घर में एक ही मर्द है, वो है अब कान्हा भैया है, हमारे लिए बेस्ट फ्रेंड है, सारे रोल्स उन्होंने मतलब सारे रोल्स उन्होंने फुलफिल किए हमारे लिए। तो वी आर ग्लैड दैट वी हैव कान्हा भैया इन आवर लाइफ। ओके लाची लाची को क्या कहते हैं? थैंक यू यार, इतना प्यार मिल रहा है। मैं सारे एडिट्स देखती हूँ, रश्मि नकुल का वो हैशटैग भी एक रकुल, सारे एडिट्स देखती हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच। यस, आप लोग हमारे लिए इतना अपना खुद का टाइम, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हो, आप हमारा शो देखते हो, हमें इतना प्यार देते हो, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना।